लोकसभा सांसद राहुल गांधी आज 25 सितंबर को रायपुर पहुंचे, जहां से वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सड़क मार्ग से बिलासपुर जिले के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने तखतपुर विकास खंड के ग्राम परसदा सकरी में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए के मान से 5 करोड़ की राशि का वितरण किया। कांग्रेस तो कई देश कोस सन से शुरू हुई, 1985 उस समय प्रधानमंत्री कौन रही से राजीव जी, और ये योजना के का नाम रही से इंदिरा आवास, सब जानते इंदिरा आवास। वो समय राजीव जी गरीब के सिर में भी छत होना चाहिए, ओकरो मकान बनना चाहिए, ये योजना की शुरुआत करी। और इंदिरा जी से मन अतेक चिड़ थे, वो नामेल बदल दी वो योजना के और प्रधानमंत्री आवास हो गए। प्रधानमंत्री आवास में आधा पैसा केंद्र दे थे, आधा राज्य दे थे, नहीं तो पहली कत का अवधि से 100%, फिर 85-15, आज 60-40। 2021 के जनगणना नहीं हुए, राहुल जी खड़गे साहब लगातार कहा थे जनगणना करा, जाति जनगणना करा, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रेंगा थे। वो किसान के गरीब के भला करने वाला नहीं है। जब यूपीए सरकार रही से, शैलजा जी वो मंत्री रही से, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से, यूपीए यूपी के हमर यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी रही से किसान मन के कर्जा माफ करी, छत्तीसगढ़ आ रही से 2018 में राहुल जी तब भी की कांग्रेस सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर में किसान के ऋण माफी हुई, लेकिन केंद्र में बैठे सरकार किसान के कर्जा माफ नहीं करे, गरीब के सुनवाई नहीं करे, अपन संगवारी मन के 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ करे। कद का 14.5 लाख करोड़। बिलासपुर आकर आज मुझे काफी खुशी हो रही है। बैठा था और मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिए इसका इस पे आप इसका बटन दबाइए, और जैसे ही हमने बटन दबाया तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के बैंक अकाउंट में गए। ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को एक दो सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले वायदे थे, किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए हमने ये वायदे किए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वायदों को पूरा नहीं कर सकती है। सच्चाई आपके सामने है, हमने जो वायदे किए थे हमने उनको पूरा किया। किसान न्याय योजना में 21,000 करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनको भी हम नहीं भूले,
उनको 7,000 रुपए प्रति साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिया। आदिवासियों को एमएसपी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए और देश में सबसे बेहतर फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। स्वास्थ्य में 5 लाख रुपए परिवार के लिए 70 लाख परिवारों को फायदा मिला। 380 अंग्रेजी के स्कूल खोले और 42,000 वैकेंसियां भरी। चुनाव जीतने के एकदम बाद कैबिनेट ने पांचों वायदे पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे। और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं शिक्षा विभाग से शिक्षक नियुक्ति आदेश पत्र का वितरण हम आमंत्रित करते हैं। वंदना साहू जी को शिवांगी शर्मा, कविता वर्मा, नेहा टोपो, विनीता बंजारा, चंद्र प्रकाश छत्रिय, ओम प्रकाश सूर्यवंशी, ललित कुमार देवांगन, ज्ञान प्रकाश, मनीष निर्णयचक। और हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार शिक्षकों की भर्ती की गई है और उनमें से करीब लगभग सभी शिक्षक यहां पर उपस्थित हैं जो कि बस्तर और सरगुजा अंचल से हमारे बीच आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त 12,489 पदों के विरुद्ध 6,607 नियुक्तियां की जा चुकी हैं और कुल 2,594 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और ये सभी नवनियुक्त शिक्षक सहायक शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें राहुल गांधी जी का आप सभी और धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक और सहायक शिक्षकों को बहुत बधाइयां। लगभग 2500 शिक्षक यहाँ पे हैं और सांकेतिक रूप में 10 हमारे उन शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया।